गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के वेव से। चलिए बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा। क्वेश्चन है, इन चिक एम्ब्रियो फोर पेयर्स ऑफ सम टाइम्स आर फॉर्म्ड आफ्टर इन चिक एम्ब्रियो फोर पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। तो सोमाइट्स एंड डिफरेंट, चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 24 आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, गैवियलिस गैंगेटिकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? फ्लियोबोटामस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन देखिएगा, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, आर फैक्टर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अमोनिया एंड यूरिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा इज। चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड? नेफ्रिडिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, क्या है? एगेरिकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन है, पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन। पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा, हिप्पोकैम्पस फिश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, पोलन ग्रेन्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर टेन। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, मेरा सीडीएम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिनीमाता डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मर्करी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। क्या है, इन पिजन रेटिना पोजेजेज। तो चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मोर कॉन्स देन रार्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन को देखिए। क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर टू, क्या है? ट्रिपैनोसोमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। इज नॉट करके पूछे, माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं और क्वेश्चन है, विच साल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो
राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 एम्फियाक्सस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है देखिए, टेस्टिस सेक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन इन विच सेगमेंट होना चाहिए। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 10-11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, चार ऑप्शन क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिलेनिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच वन इज द बेस्ट सिल्क, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, मलबेरी सिल्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, क्वेश्चन है बिल्कुल मैमल विच लेस एग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स हेटरोस्पोरी इज फाउंड, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, प्रोफेसर वीरबल साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रोफेसर एस आर कश्यप हैं उनके विषय में अगर बात की जाए तो वो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, और जो केसी मेहता हैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट, और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस क्या हैं, क्रिस्कोग्राफ का इन्वेंटेड करने वाले हैं। तो हर किसी के विषय में, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा पैलियोबॉटनिस्ट का प्रोफेसर बीरबल साहनी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखिएगा, पेक्टिन इज अब्सेंट इन विच बर्ड, राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कीवी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गेमा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 है मार्केंसिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है, टू लेयर्ड गैस्टुला इज फाउंड इन, गैस्टुला इज फाउंड इन, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा एम्फियाक्सस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स एज इट इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, विथ हायर अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा बिल्कुल, देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक स्पीसीज, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, रिक्सिया फ्लेटेंस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्वेश्चन देखिएगा, वॉलवॉक्स इज अ, बढ़िया क्वेश्चन है,
और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कॉलोनियल फॉर्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंडोस्पर्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डार्विन्स थियरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टीथ्स आर फाउंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोथीरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इज इनहिबिटेड बाई, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, IFNA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है, इन पालीकीटा द नेचर ऑफ सिटी इज, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा न्यूमरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेस इज मेनली, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेक्सुअल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, रैबिडिटी फ्रॉम लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 स्कैरिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम, चार ऑप्शन बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए, विच वन इज अ ट्रू फिश, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर। कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिसको ट्रू फिश और फॉल्स फिश के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके लिए आप जो हैं वीडियो देख सकते हैं, कई वीडियो इसके लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है द स्फीयर इन लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजेज, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंस्फर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है ट्रू सिलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा निमेटोडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, क्वेश्चन है मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन इज, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 मारुला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिएगा, हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंसले इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन है नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लिएज इन बैक्टीरिया इज, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जायगोट ऑफ फ्रॉग इज, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 226 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिएजेंट, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ऑफ द एबव मीन टू से वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड ह्यूमन सिस्टम, बोथ ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, राइट आंसर हो जाएगा इसका जो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 49, इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन बीबुनी प्लेग इज, राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, जीनोप्सिला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन देखिएगा टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइंड बाय, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, वॉक्समैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कंटेन्स अ फ्लड कॉल्ड, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, मोसेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन है टीनिया सेग्नेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सकर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, क्वेश्चन है न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 56 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप्सल्स आर फाउंड इन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ओडोगोनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन देखिएगा नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टेडपोल इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमोनिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन एज ऑफ फिशेस इज, तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, डिवोनियन पीरियड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, पाइरुविक एसिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, चार ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सी ओ इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, शायद जो है बीच में टाइपिंग करते वक्त जिसने टाइप किया है शायद उसने काफ़ी क्वेश्चन को मिस कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाई, हर ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअल में होता किससे हैं, मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है वो होना चाहिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जबकि इसमें से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन देखिएगा, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एरिथ्रोसाइट डेवलप्स फ्रॉम, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिवर एंड स्प्लीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड्स, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, विटामिन B12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा बिल्कुल, क्वेश्चन देखिएगा, डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1003/0003 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेटोफाइट क्लेटर्स आर प्रेजेंट, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, एक्विसिटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, चार ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा, जिसमें काफ़ी जो है टाइपिंग मिस्टेक किए हैं इन्होंने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है, क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा C4 प्लांट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा क्वेश्चन नंबर 74, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जोनरी प्लेसेंटा अकर्स इन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बोथ 1 and 2 मिंटू से हर्बीवोरस मेमल्स एंड कार्निवोरस मेमल्स, बोथ आर इज द राइट आंसर, बोथ आर द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है सुफनस डार्ट्स ऑब्जर्व इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है चिलगोजा इज ऑब्टेंड फ्रॉम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, पाइनस जिरेडियाना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ऑल मसल्स विच आर अटैच्ड टू बोन्स आर, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, प्रोटोस्टिल इज फाउंड इन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाइकोपोडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट इज नॉट लेस देन 1 in, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा इसके विषय में, तो आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में 1, प्रोटीन में 0.9 एंड फैट में 0.7 होता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।